2,5-heptadiene. जी, हेप्ट मीन 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. लो जी, अब 2 नंबर कार्बन पे और 5 पे डबल बॉन्ड है, बस बात खत्म हो गई. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब 2 पे डबल बॉन्ड डालो, डाल दिया जी. ये कार्बन 2 है, इधर डबल बॉन्ड डाल दो, डाल दिया. तो दूसरा डबल बॉन्ड 5 पे डाल दो, ये 5 है, 5 और 6 के दरमियान हो गया. बस बाकी आड़े पूरे करो, ये आपका कंपाउंड होगा. ये है आपका 2,5-heptadiene, ठीक है, 2,5-heptadiene. फिर है 4,5-dimethyl-2-hexene, 4,5-dimethyl-2-hexene, 4,5-dimethyl-2-hexene. मतलब क्या कि 6 नंबर कार्बन की लेंथ है, ये आपका हेक्सीन है, लेकिन डबल बॉन्ड कहां पे है, 2 नंबर कार्बन पे. इधर से अगर स्टार्ट करो, ठीक है, 4 और 5 पे मिथाइल लगा दो, 4 पे मिथाइल और 5 पे मिथाइल. इसका मतलब ये हुआ हमने मिथाइल वाली साइड से नंबरिंग नहीं करनी, हमने किसको प्रेफर करना है, डबल बॉन्ड इज टू बी प्रेफर्ड, इज इट. तो ये देखे ना, CH3 CH CH और CH, ये आपका CH और यहाँ CH3, ये आपका है 4,5-dimethyl-2-hexene, 4,5-dimethyl-2-hexene, इज इट. तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट कंपाउंड देखें जी, ये है आपका विनाइल ब्रोमाइड. 9th कंपाउंड पे मैं चला गया हूँ. इसमें से कुछ ऐसे हैं जो अभी तक हमने नॉमेनक्लेचर नहीं की ट्रिपल बॉन्ड की. विनाइल ब्रोमाइड देखें जी, विनाइल इथीन जो है, जिस ये इथीन जो है, अगर इसका एक हाइड्रोजन हटा दो आप CH2CH2 का, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल ग्रुप. क्या कहलाता है, मैंने क्या बोला, CH2CH2 का एक हाइड्रोजन हटा दो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड विनाइल, ठीक है. तो अब इसके साथ ब्रोमीन लगा दो, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड. अच्छा, इसी तरह विनाइल अल्कोहल भी होता है, ये ग्रुप विनाइल और OH लगा दो, दिस इज योर विनाइल अल्कोहल. और ये विनाइल, अगर यही CH2 डबल बॉन्ड CH अगर बेंजीन के ऊपर लग जाए, तो फिर हम इसको नाम देते हैं, ये आपके इल्म में होनी चाहिए चीजें, यहां पे लगा दो इस विनाइल को, दिस इज कॉल्ड विनाइल ब्रोमाइड. क्या नाम है इसका, विनाइल ब्रोमाइड, और इसको स्टाइरीन भी कहते हैं. इसका कॉमन सर बेंजीन के ऊपर लगाया है ना, क्या तो विनाइल ब्रोमाइड कैसे, बेंजीन के ऊपर लगाया है ना आपने, सॉरी विनाइल बेंजीन है ये आपका, ठीक है, तो विनाइल बेंजीन है ये आपका. और अगर इसकी आप पॉलीमराइजेशन कर लो, तो इससे इसका नाम स्टाइरीन भी होता है, और जब इसकी आप पॉलीमराइजेशन करोगे तो दिस विल बी नेम्ड एज पॉलीस्टाइरीन. क्या नाम होगा इसका, पॉलीस्टाइरीन.